दो मिनट। हाँ, कैसी लगी? रियली मिलता है, बहुत अच्छी लगी भाई। क्या अच्छा लगा फिल्म में? पूरा पार्ट ऑलमोस्ट सब कुछ, आमिर की एक्टिंग, करीना, करीना का थोड़ा बकवास लगा लेकिन आमिर की बहुत अच्छी। स्टोरी पूरी अभी इतना रिमाइंड तो नहीं है लेकिन स्टोरी एकदम ऑलमोस्ट 10 out of 8। अच्छा, 8 marks, थैंक यू सो मच भाई। कैसी लगी आपको फिल्म यार? 8 marks। क्या अच्छा लगा फिल्म में, मतलब पूरी स्टोरी और पूरा कैरेक्टर? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बाकी आमिर खान की एक्टिंग भी मस्त लगी। अच्छा, वो सॉन्ग बहुत अच्छे। 5 में से कितने स्टार दोगे आप? 5 में से 4। 4 स्टार। भाई कैसी लगी आप? अच्छी भी अच्छी लगी। अच्छी, क्या अच्छा लगा फिल्म में? इसमें खास करना मतलब ये बताया, मतलब अच्छा है, इंस्पायर, मतलब थोड़ी एक वो दिया उसने, एक होप दी है, होप दिया ऊपर से, जो मतलब बचपना जैसे एकदम मासूम, एकदम मासूम में दिखाई है, इंसानियत भी दिखाई है, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए है और अच्छी पिक्चर है। ओके, आमिर खान साहब का काम कैसा? आमिर खान का तो एकदम बेस्ट था। अच्छा, उसकी वजह से तो आया देखने। अरे उसकी वजह से मस्त एकदम, एक पिक्चर निकालते वही भारी पिक्चर निकालते लास्ट में। करेक्ट करेक्ट। इस पिक्चर को आप कितने लोगों को रिकमेंड करोगे, मतलब कितने लोगों को बोलोगे? मैं तो लेके भी आने वाला दोस्तों को, बहुत जन आने वाले। अच्छा, मेरे हिसाब से 5 स्टार है। 5 स्टार है, मतलब अच्छी मूवी है, मतलब कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, ऐसी मूवी है, एकदम फालतू मूवी नहीं है। हाँ, मैं ज्यादा मूवी देखता भी नहीं हूँ, अच्छी मूवी देखने आता हूँ। अच्छा, अच्छी लगी मैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसी लगी आपको फिल्म यार? पहले मुझे उन लोगों की शक्ल देखने जो बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे थे, अभी मतलब मूवी बहुत अच्छी है अभी देखा, और मैंने फॉरेस्ट गम नहीं देखी तो मैं उससे कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा जिन्होंने फॉरेस्ट गम नहीं देखी है दे विल इन्जॉय दिस फिल्म। एंड आमिर खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, एज ए पीके मूवी में उन्होंने जितना काम किया था उससे अच्छा ही किया है, उससे बेटर है। स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, स्टोरी जहाँ चालू होती है वहाँ ख़त्म होती है ना, वो आप लोग देखना ज़रूर। काफ़ी मूवी का फर्स्ट हाफ भी काफ़ी अच्छा है, इंटरवल तक आपको मतलब रुला देगी। नागा चैतन्य का भी काम अच्छा है, हर किसी ने अच्छा अपना 200% दिया है। और मुझे, मैं बहुत ही शौक हूँ कि बॉयकॉट सुनने के बाद भी मतलब कुछ लोग तो आए मूवी देखने, एंड इट्स रियली ग्रेट। और मैं चाहता हूँ हर कोई ये मूवी देखे, मैं कहना चाहूँगा हर कोई ये मूवी देखे, भाई मस्त है। अब बॉलीवुड के कितने सारे क्रिंज मूवीज रिलीज़ हुए और उसके बाद ये मूवी देखने के बाद मैं बोला कि हाँ ऐसा बॉलीवुड कर सकता है और कर दिया। ये थोड़ा सा ऐसे क्लास लगी ना, मतलब ऐसा लगा कि इसका मतलब एक जो लोग सिर्फ 4 गाने एक जो जोक सुनने के लिए आते हैं वैसे टाइप की नहीं है दोस्तों, नहीं ये फिल्म, मुझे ऐसा कहना है पर्सनल जो है वो तो मैं डिटेल में बताऊँगा ही आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रही थी। हाँ, और बहुत, और ऐसे जो लोग बहुत ही अच्छे कैमरा शॉट्स से मूवी के अंदर, आप लोग बहुत बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि भाई इतना अच्छा प्रेजेंट किया है, इट्स रियली ग्रेट। कास्टिंग भी बहुत अच्छी है, और मैं स्पेशली इस मूवी के अंदर बहुत सारे अपीयरेंस है बड़े एक्टर्स के, एक है, वो है, पता है लोगों को, शाहरुख खान भी है। एंड कैसा लगा वो, कैसा लगा वो? मैं VFX किया था और बहुत अच्छा लग रहा था, एंड बड़े सरप्राइज हुआ था, चिल्लाने की कोशिश की थी लेकिन बहुत कम लोग, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, बट काफ़ी बढ़िया था वो शाहरुख खान का जो सरप्राइज था, एंड इट्स रियली ग्रेट। मतलब और मैं, और जो मूवी है ये एक वार्निंग दे दूँ कि ये सच्ची घटना पे आधारित नहीं है, इसको कोई मतलब ज़्यादा वो मत लेना कि सीरियस मत लेना, ये एक मूवी काल्पनिक है जिसका डिस्क्लेमर बहुत बड़ा है। Exactly. जब मूवी के स्टार्टिंग में बहुत डिस्क्लेमर है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आजकल चल रहा है बॉयकॉट वगैरह, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने वो डिस्क्लेमर दिया है, तो वो डिस्क्लेमर इसलिए दिया है ताकि लोग, ऑडियंस जो है उसको कुछ ज़्यादा वो ना हो कि ऑफेंस ना हो कि ये सब चीज़ को देख के करके। ट्रू ट्रू ट्रू। और भाई इसमें है ना सबसे बड़ी बात, मुझे आपसे ये भी जानना है, फिल्म में गाने तो हैं लेकिन गाने की अगर बात करें तो आपको कौन सा बेस्ट लगा, जो मतलब एक आपको टच देकर गया, एक फील देकर गया? 2 गाने इस मूवी के स्टार्ट में, एक कहानी है और नेक्स्ट वो एक अच्छा गाना है, याद नहीं आ रहा। तुर्गलियां, जिसमें दौड़ते हुए, हाँ, यस, मोटिवेशनल सॉन्ग, यस, बहुत ही अच्छी मूवी है। और गाने भी काफ़ी, म्यूजिक पे काफ़ी अच्छा फोकस किया गया। आमिर खान की बहुत सारी मूवीज़ की म्यूजिक लोगों को याद रहते हैं और ये भी उनमें से ही है, ये भी याद रहेगी लोगों को, और काफ़ी बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी देखी है, इट्स रियली ग्रेट। करीना के बारे में क्या कहेंगे, उनके कैरेक्टर के बारे में और जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया और वो पूरा कहानी में उनका सेटअप, व्हाट यू वांट टू से? करीना कपूर के बारे में यही कहूँगा कि शी इज़ ब्रिलियंट, उन्हें बहुत, सच कहूँ तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है अपने हिसाब से, उनको बहुत टाइम बाद बड़ी स्क्रीन में देखना भी एक बहुत अच्छी बात है, एंड शी डिड रियली गुड, बहुत अच्छा ही किया था उन्होंने। करेक्ट। और अपने हिसाब से उन्होंने जितना परसेंट दिया है वो स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड वो तुमको उनसे बोर फील नहीं होगा,
वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है और वी वॉन्ट उनको और भी मूवीज मिले तो और अच्छी बात है। राइट अच्छा दोस्त, चलते चलते थोड़े से और एक सवाल, नागा चैतन्या का हमने काम देखा और उनका कैरेक्टर भी देखा, हमने मोना सिंह को भी देखा, वो कैसा लगा आपको? नागा चैतन्या एज सरप्राइज क्योंकि हिंदी भी आती है उनको तेलुगु मूवीज में भी देख चुका हूँ बहुत सारी, और हिंदी मूवी में देखना है इट्स स्पेशली सरप्राइजिंग फॉर मी, और क्योंकि मैं खुद भी एक रिव्यूअर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सच कहूँ तो नागा चैतन्या इज बेस्ट, और जो उनकी मम्मी का रोल उन्होंने किया था मोना सिंह, दैट्स रियली ग्रेट। उनका भी रोल काफ़ी, मुझे कुछ हद तक लग रहा था कि वो सच में उनकी मम्मी ही लग रही थी, क्योंकि वो लगनी नहीं थी कि वो एक्ट्रेस है, वो सच में लग रही थी कि वो उनकी मम्मी है, एंड इट्स रियली ग्रेट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बचपन से लेकर एंड तक का जो स्टोरी है बहुत अच्छा, एक अलग सफ़र पे लेके जाएगी आप लोग को, एक अलग दुनिया जो बॉलीवुड जो क्रिंज मूवीज़ बनाता है उससे बहुत अलग तुम लोग को लेके जाएगी ये मूवी। एग्जैक्टली दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ और यही बताना चाहता हूँ कि लाल सिंह चड्ढा वो फिल्म है जो कि एक अलग ऑडियंस के लिए बनी है, वो सिनेमा प्रेमियों के लिए बनी है जो कि दिल से मतलब सिनेमा को फॉलो करते हैं, चाहे वो सिनेमा यू नो कितना डेप्थ के साथ प्रेजेंट हो। आमिर खान साहब ने मेहनत करी है, अद्वैत चंदन का डायरेक्शन अच्छा है, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म स्पेशली मल्टीप्लेक्स में बहुत ज़्यादा चलने वाली है और मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस इसे अप्रिशिएट करेंगी। अब देखते हैं कि रक्षाबंधन की क्या रिपोर्ट्स आती हैं। आप बस बने रहो, ठीक है, आज पूरे दिन भर पूरे हफ्ते भर मैं हूँ राहुल भोज, आपको हर एक बात बताऊँगा, थोड़े देर में तरण आदर्श जी का भी रिव्यू लेकर आऊँगा, आप बस बने रहना। बाय, आप भी देखना फिल्म और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसी लगी, ठीक है।